नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ योर मोस्ट लविंग एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है और शेयर जरूर करिए। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन सिंटैक्स की एक्सरसाइज नंबर 73 का पार्ट टू, और ये सॉल्यूशन है नंबर 9 सेंटेंस स्टार्ट। द लास्ट न्यूज रिसीव्ड इज दैट चाइना हैज अटैक्ड भूटान। आखिरी खबर ये आई कि चाइना ने भूटान पर अटैक कर दिया। लास्ट का यूज हमेशा नंबर यानी क्रम में होता है, गिनती में रूल आप नोट कर लेंगे, लेकिन यहां पर गिनती की बात नहीं हो रही है क्योंकि चाइना के बाद किसी और ने थोड़ी अटैक किया है। यहां पर है जल्दी से जल्दी जो खबर हमें मिली, तो ऐसी कंडीशन में लास्ट की जगह हम लिखते हैं लेटेस्ट। तो यहां हम लिख देंगे लेटेस्ट। दूसरा, ही इज द ऑनेस्ट मैन आई नो, मैं जानता हूं वो ईमानदार आदमी है। यहां पर दा की जगह लगाएंगे हम आ, एन दा की जगह लगाएंगे एन, ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है और मैं जानता हूं। आर्टिकल का यूज पहली बार जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ए एन लगाते हैं, जब उसका दोबारा यूज करते हैं जब हम उसे पहचान चुके होते हैं तो दा लगाते हैं। तो यहां पर पहली बार आया है तो एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट है, लखनऊ इज लार्जर देन एनी सिटी इन यूपी। लखनऊ किसी भी शहर से बड़ा है यूपी के। ध्यान दीजिए, जब भी देन लगाएंगे तो एनी अदर लगा देंगे, मैंने जगह छोड़ दी थी वो आपके काम आ गई। नेक्स्ट रूल आप नोट जरूर करते रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो लाइक बीच में जरूर कर दें। ही जूनियर देन यू बाय 3 इयर्स। जब वर्ड के लास्ट में आई यू आर होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, तो यहां पर देन की जगह टू का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये जी। अगला, केवल राम इज बेटर देन ऑल द बॉयज इन द क्लास। केवल राम क्लास के बाकी बच्चों से बेटर देन है। ध्यान दीजिए, देन ऑल द की जगह ऑल अदर बॉयज कर देंगे। क्यों कर देंगे? बिकॉज डिग्रीज यूज कर रहे हैं, बेटर देन, ग्रेटर देन, तो देन के बाद एनी अदर, मैनी अदर, ऑल अदर, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिग्री सुपर, डिग्री कॉम्पेरेटिव में। अगला, द ड्रेस इज ऑफ द लास्ट डिजाइन। ये आखिरी डिजाइन तो हो नहीं सकता कि कभी बाद में ना आए, ये लास्ट नहीं होगा, यह है लेटेस्ट डिजाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में आता है तो आप नोट करते रहेंगे, लेटेस्ट डिजाइन, ये नवीनतम डिजाइन है जो हम देख रहे हैं। करीम इज अ कॉवर्ड मैन। करीम एक कायर व्यक्ति है, जरूरत ही नहीं है कायर, करीम एक कायर आदमी है, केवल कॉवर्ड से काम चलाएगा, करीम एक कायर है क्योंकि आदमी तो वो है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत ही ध्यान रखें, बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिशन में, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, रेलवे हो, सब में आपको सिंटैक्स चाहिए ही चाहिए, तो शेयर जरूर करिएगा। द लेटेस्ट मैन टू अराइव वाज श्रीराम। श्रीराम सबसे बाद में पहुंचे, तो लेटेस्ट नहीं, यहां पर गिनती की बात हो रही है, क्रम है, तो लेटेस्ट को अपोजिट यूज करते हैं हमेशा लास्ट। तो लास्ट क्रम में और लेटेस्ट समय के अनुसार, ठीक है। ही इज लेसर क्लेवर देन हिज ब्रदर। तो क्लेवर अपने आप पहले से ही लगा दी हमने एक डिग्री, और वो अपने भाई से ज्यादा, यानी कि तो लेस क्लेवर से काम चल जाएगा, लेस क्लेवर ना कि लेसर, क्योंकि लेसर ही कंपैरेटिव हो जाएगा, तो लेस क्लेवर देन हिज ब्रदर, और डिग्री ऑलरेडी लगी हुई है। आई नेक्स्ट है लास्ट, ही स्पेंट अ फ्यू रुपीज ही हैड। यहां पर पूरी कहानी ही हैड में छुपी हुई है कि उसके पास जो भी रुपए थे खर्च कर दिए। इस कंडीशन में आफ यू नहीं आता है, हमेशा दा आता है, क्योंकि दा का मतलब स्पेसिफिक विशेष है। कौन सा विशेष? जो रुपए उसके पास थे वो सारे रुपए विशेष, एक अमाउंट होगा 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, वो सारे खर्च हो गए ना, तो ये हो गए दाफ्यू। ये नहीं हो सकते ना फ्यू और ना ही आफ्यू। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, इसे शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें अपने प्यारे प्यारे चैनल संजीव गोस्वामी को, और एक लाइक तो जरूर।